हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बात बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे, जो कि है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस बहुत ही मजेदार है। आप इसमें के जितने भी फॉर्मूले होते हैं बहुत ही इजी डेरिवेशन के साथ आप जल्दी से सीख सकेंगे, ताकि एग्जाम में अगर आपको कोई भी डेरिवेशन मिले किसी भी फॉर्मूला का या इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो आप आसानी से एकदम स्मूथली लिखते चले जाए और आपको अगर अभी दिक्कत ना हो। तो इसके जितने भी स्टेप हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिजिक्स और मैथ के जितने भी टॉपिक्स होता हूँ क्वेश्चन सब बताता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो आज मैं करने वाला हूँ 10^(nx) dx का इंटीग्रल कैलकुलस का डेरिवेशन, जो कि बहुत ही आसान है। आप एग्जाम में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से लिख सकते हैं बिना किसी डाउट का। तो बिना देर किए चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आपकी, मैं 10^(nx) dx का डिडक्शन फार्मूला को डिराइव करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन को कैसे करते हैं देखिए। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले चूंकि का साइन, सिंस का साइन देते हैं और इसको डिनोट करते हैं आई एन से। आई का मतलब इंटीग्रल होता है, ठीक है, और एन यहाँ से डिनोटेड किया हुआ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10^(nx) इंटू dx। इसको हम लोगों को डिराइव करना है, रिडक्शन फार्मूला इसको इसका निकालना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, इम्प्लाई चार्ट का साइन देकर के आई एन लिखते हैं और 10^(nx) है तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देते हैं डिवाइड का साइन, मतलब कि बाई का। 10^(nx) तो लिखेंगे ही, लेकिन इसको क्या करने वाले, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से 10^(x) से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ताकि दोनों कटेगा तो फिर से 10^(nx) आ जाएगा। और यहाँ वेरिएबल में जो dx है इसको वैसे का वैसे ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए स्टेप, फिर से इम्प्लाइज एड का साइन देंगे, यहाँ पर लिखेंगे i^(in). अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ करने वाले हैं, जो कि डायरेक्टली लिखते हैं। कई बार हमने इसको यूज़ भी किया, मैं इसको डायरेक्टली लिखने वाला हूँ 10^(n-2) इंटू 10^(x), यहाँ पर x होगा, 10^(x) इंटू dx। ये कैसे हुआ, तो आपको क्या करना है ना, कि आपको पता है कि इसको ऊपर लेके जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा तो सेम बेस पावर है, तो n में -2 ऐड कीजिएगा तो n-2 हो जाएगा, और ये 10^(x) वैसे का वैसे यहाँ पर रहेगा। अब उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर इम्प्लाइज एट का साइन देते हैं, आई एन लिखते हैं, और इस वाले टर्म को यहाँ जो देख रहे हैं इसको वैसे का वैसे रखेंगे, जो 10^(n-2)(x dx) है, ठीक है, इसको वैसे रखेंगे। और जो 10^(x) है इसको हम लोग लिखते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है जो क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा है, sec^(x-1)(dx). ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार जो ये वाला टर्म है ना, इसको एक बार sec^2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी टर्म को एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, i^(10^(n-2)(x dx) ये हो गया। मतलब यहाँ dx मत लिखिए, इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करना ना, तो sec^(x dx) ये हो गया पहला मल्टीप्लीकेशन। फिर बीच में माइनस का साइन दीजिए जो कि ये वाला है, उसके बाद फिर (10^(n-2)(x dx) ये रह गया, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म रहेगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मानना है लेट, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि सबसे पहले किसी को मान के इसको आपको डिफ्रेंशिएट करके कुछ पुटिंग करना होगा, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेट आप कर नहीं पाएंगे। तो i^(n) मानते हैं, किसको मानते हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट को नहीं, इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर हम इसको मानेंगे i^(n), क्योंकि i^n मान रहे थे तो यहाँ i^n भी मानते तो थोड़ा रॉन्ग हो जाता, सेम हो जाता, तो आगे अगर कॉमन आता टर्म तो उसको लेने में दिक्कत होता, तो इस वजह से इसको i^n मान लेंगे। तो (i^n)(10^(n-2)(x)(sec^(x)(dx), ठीक है। अब यहाँ पे पुटिंग करने वाले हम लोग, तो पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे बेसिकली जो यहाँ पर tan x है, tan x को हम लोग मान लेते हैं t, तो tan x को t मानेंगे तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec^2x होता है इंटू, या और ये इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको इस तरह समझाता हूँ, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल देखिए x है, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec^2x होता है, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, dt बाई
dx हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे ना, ये dx चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ वन है, तो ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। ये हो गया फाइनली डिफरेंशिएट करने के बाद। लेकिन निकालना हमको यहाँ पर dx है, क्योंकि dx का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, तो dx इक्वल टू क्या निकल जाएगा, dt तो इधर ही रहेगा, मतलब कि डिवाइड के इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा क्या, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं वन बाई sec स्क्वायर एक्स इंटू डी टी, क्योंकि एक ही बात है, इसके नीचे कुछ नहीं, वन है, मल्टीप्लाई होगा तो फिर से यही टर्न बनेगा। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ से डी एक्स फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको पुटिंग करेंगे। अब आई एन नहीं, अब आई डैश एन को सॉल्व करेंगे पहले। तो आई डैश एन क्या था, वो था टेन पे पावर एन माइनस टू एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये था। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आई एन डैश है ना, इसको हम लोगों ने क्या माना, टेन एक्स को, यहाँ पे देखिए टेन एक्स को माना हम लोगों ने टी। तो इस वाले टर्म को हम लोग पुट करेंगे क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन देंगे और इसको मान लेंगे टी, टी पे पावर हो जाएगा अब एन माइनस टू हो गया इंटू sec स्क्वायर एक्स, वैसे का वैसे है, और डी एक्स का वैल्यू क्या था, वो था वन बाई sec स्क्वायर एक्स इंटू डी टी था। अब देखिए यहाँ sec स्क्वायर एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ भी देखिए वन का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपको तो पता ही है इतना बेसिक चीज़। फिर भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आई डैश एन इक्वल टू यहाँ पर क्या, तो अब फाइनली यहाँ पर क्या बच जाएगा, टी पे पावर एन माइनस टू इंटू डी टी, ये टर्म रहेगा। अब इसको नॉर्मली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आपको एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होगा, अगर एक्स टू दी पावर एन रहता है, एन डी एक्स रहता है, तो इसको क्या करते हैं, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन होता है इसका फॉर्मूला, ये तो पता ही है, तो आपको देखने में इसके जैसा ही लग रहा होगा। तो इसीलिए इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो यहाँ आई डैश एन इक्वल टू क्या बन जाएगा, टी पे पावर एन प्लस टू तो होगा, लेकिन देखिए इसमें वन ऐड होता है, तो इस सॉरी एन माइनस टू होगा यहाँ पे, तो एन माइनस टू में क्या करेंगे, प्लस वन को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन नहीं होगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट का साइन होगा, होल डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर क्या होगा, एन माइनस टू तो था, जो पावर था वही पावर आता, लेकिन उसमें वन एक ऐड हो जाता, यहाँ पर वन एक ऐड होगा, तो यहाँ प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस सी वन, एक कॉन्स्टेंट भी बचता है इंटीग्रेट करने के बाद। तो अब ये हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आई एन डैश इक्वल टू टी पे पावर क्या हो जाएगा, टी पे पावर हो जाएगा एन माइनस वन, क्योंकि माइनस टू में प्लस वन सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस वन, यहाँ भी एन माइनस वन प्लस सी वन, ये बचेगा। तो फाइनली अब देखिए यहाँ से ये हो गया है ख़त्म, बस इतना ही करना था। तो यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, तो आई एन इक्वल टू क्या निकल गया, आई एन इक्वल टू निकल गया टेन पे पावर, टेन पे पावर, क्योंकि टी का हम लोगों ने टेन माना था, तो टेन पे पावर एन माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, ये निकल गया। यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म में आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था उसके बाद, तो इस वाले में इसके जगह इसी पार्ट को सॉल्व किया, तो हम लोगों को क्या फाइंड मिला, हम लोगों को मिला ये वाला टर्म, तो इसके जगह पे ये वाला पुट कर दिया, ठीक है। टेन पे पावर टी का वैल्यू टेन था, तो टेन पे पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बच गया, टेन बच गया, टेन एन माइनस टू एक्स डी, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, तो इसको डायरेक्टली वैसे का वैसे पुट कर दीजिए, जो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन इंटीग्रेशन ऑफ टेन पे पावर एन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से ये फाइनली फॉर्मूला हमारा जो है टेन पे पावर एन एक्स डी एक्स का, ये हो गया यहाँ से डिराइव, और यहाँ से ये फार्मूला हो गया। तो अगर कोई फार्मूला आपको यूज़ करना रहा है डायरेक्टली, अगर रहता है इस फॉर्म में टेन पे पावर एन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला, तो आप इसको रिडक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग, मतलब रिडक्शन फार्मूला इसको बोलते हैं, इसको आप ऐसे डिराइव कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आगे वाले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो ये था डेरिवेशन ऑफ 10 टू द पावर एन एक्स डी एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करते हो उसके साथ। अगर आप मेरे एक और चैनल है ब्लॉगिंग चैनल, अगर आपको उसमें फिर इंटरेस्टेड है, तो आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो प्लीज़ अगर उसको खूब सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।